राजधानी रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा की शिकायत की एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत के आधार पर जांच की बात कही है और जांच में सही पाया गया तो इस मामले को दबा दिया गया। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता ने दी है। योजना और मरीज दोनों से हो रही लूट की शिकायतकर्ता ममता शर्मा ने इस बारे में कई बातों का खुलासा भी किया है। आयुष्मान योजना के तहत कालाबाजारी जारी है, मरीजों को लूटा जा रहा है, इसकी शिकायत भी हुई लेकिन क्या कार्रवाई कुछ हुई शिकायतकर्ता तक ये बात नहीं पहुंची है। इसको लेकर इसे लेटर दिल्ली लिखी गई थी और उसमें टीम गठित कर शिकायतकर्ता को जांचकर्ता के रूप में बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या पूरा मामला था जिसमें आपने शिकायत की? देखिए, मामला स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक पेशेंट जिसको आप आयुष्मान योजना के तहत आप एक रजिस्टर्ड करते हैं, एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है वहाँ से और उसके पूरे खर्चे डॉक्टर जो है उनसे दवाई इंजेक्शन किसी भी प्रकार की कोई चीज खरीद के नहीं मंगवा सकता। हर चीज वो अपने ही खर्चे से या अपना जो उनका उपलब्ध है उसी में इलाज करेगा और उसके बाद वो सारे पैसे जो है रिएम्बर्स वहाँ से जो आपकी योजना है उससे आपको पैसे चेक के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ लगातार देखने को आ रहा है कि डॉक्टर जो है उनको आयुष्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड करते हैं और एक प्रशासन का जो बड़ा एक फंड है ना उस योजना का वो वहां से निकाल लेते हैं और दूसरा पेशेंट क्योंकि मरता क्या नहीं करता वो जैसे ही भर्ती होता है तो घर वालों को बोलते हैं कि सबसे पहले 30,000 जमा करो 20,000 जमा करो और उसके बाद लगातार हर दिन उनका रहता है कि ये इसमें 10,000 का दवाई और ये लेके आना है 5,000 का लाना है। ऐसा करते करते लोग बाग अपनी गाड़ियां गिरवी रख देते हैं, अपनी जमीन गिरवी रख करके फिर बेच भी डाला बंदा। मतलब इस हद तक किसी को टॉर्चर करना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चोरी और करप्शन से भी ज्यादा घटिया जो सोच है। ये मामला कौन सा हॉस्पिटल का है? ये जो मैं बता रही हूँ नारायणा का है ना, हमारा रायपुर जो देवेंद्र नगर में नारायणा है ये वहाँ का है। मतलब ये दो हॉस्पिटल तो टारगेट में है ही है, इसके अलावा कहीं भी और जितने हॉस्पिटल है वहाँ गड़बड़ झाला है वहाँ जाँच होगी? हमको शिकायत बहुत जगह से आई है पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल से और हम उसमें लगातार ये देख रहे हैं। लेकिन ये दो अगर प्रमाण होता है तो इसके बाद मैं निवेदन करूंगी स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो मंत्री महोदय हैं कि ऐसी पूरी टीम बना करके जिले स्तर की और अभी इन्होंने भी कहा है सर ने कि जिले स्तर की टीम बना करके पूरे जिलों में इस तरह की कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा को जिन्होंने राज्य में चल रहे फ्रॉड को उजागर करते हुए मामले को दिल्ली तक पहुंचाई और वहां से टीम गठित होकर इस मामले में जांच करने का आदेश हुआ है। कैमरा में राहुल के साथ सत्यराज कुश स्वराज एक्सप्रेस।